नूडल्स किसको पसंद नहीं होते हैं। आज हम सुपर हेल्दी और सुपर यमी नूडल्स बनाने वाले हैं, वो भी फ्रॉम स्क्रैच एंड यस बिना मैदा यूज किए। मैदे की जगह हम यूज करने वाले हैं सुपर हेल्दी जवार एंड बिलीव मी दीज आर वेरी टेस्टी, इवन माई डॉटर लव्स देम। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जवार इज सो अंडररेटेड। करंटली इट इज रिसर्च सो मच, इट इज पावरफुली यूज फॉर कैंसर बिकॉज ऑफ इट्स फिनोलिक कंपाउंड्स। इट हैज अमेजिंग गट हीलिंग एबिलिटी। इसमें ऐसे स्टार्च होते हैं विच कीप्स अस फुलर फॉर लॉन्गर। इससे आपको जल्दी भूख नहीं लगती है, इसीलिए इट्स ग्रेट फॉर वेट लॉस, मतलब आपका कम खाके कम कैलोरीज लेके ज्यादा पेट भरता है। इट इज ग्रेट फॉर बैड कोलेस्ट्रॉल एंड वेरी गुड फॉर हार्ट पेशेंट्स। इट्स अ इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन। ये हमें और हमारे बच्चों को एनर्जी, स्टैमिना, ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है। इट इज रिच इन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स लाइक विटामिन ए। अब जोवार की इतनी तारीफ सुनने के बाद आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि इसे अपने डाइट में कैसे इंक्लूड करें। आप जोवार की रोटी मतलब भाकरी खाकर बोर हो गए हो तो मैं हूं ना, मैं आपको अलग अलग रेसिपीज बता सकती हूँ जो इंटरेस्टिंग भी है, टेस्टी भी और बनाने में आसान। मुझे जरूर कमेंट करके बताइए आप जोवार की ऐसी अलग अलग रेसिपीज देखना चाहते हो क्या। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं जोवार के नूडल्स। सबसे पहले हम नूडल्स बनाने के लिए आटा भुनेंगे। इसके लिए हमने 1.5 कप जोवार का आटा लिया है, स्वाद अनुसार नमक और 1 कप गर्म पानी। पानी ऐसा होना चाहिए कि हम इजीली आटा भुन पाए, हाथ नहीं जलना चाहिए। नॉर्मल आटे की तरह ही भुनना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है। और ये हमारा आटा बिल्कुल रेडी है, एकदम नॉर्मल रोटी के आटे की तरह ही इसका डो बनेगा। इसके बाद हम ये नूडल्स चकली या सेव मेकर यूज करेंगे। ये बहुत ही यूजफुल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैंने इसकी परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से परचेस कर सकते हो। इसमें हम मीडियम सेव वाला साचा यूज करेंगे। इसे हम अंदर से थोड़ा ऑयल लगाएंगे और फिर आटा डालेंगे। हमने स्टील के प्लेट पे बनाना लीफ डाला है और उसे थोड़ा ऑयल से ग्रीस किया है ताकि नूडल्स चिपके नहीं। देखिए कितने आसानी से और अच्छे से बन रहे हैं ये। अगर आपके पास बनाना लीफ अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली स्टील के प्लेट पे भी बना सकते हो, लेकिन उसे ग्रीस करना मत भूलना। इन्हें हमें स्टीम करना है। हम इन्हें इडली के पॉट में भी स्टीम कर सकते हैं, लेकिन हम आज राइस कुकर यूज करने वाले हैं। इन्हें 10 मिनट के लिए स्टीम करना है हमें। 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन यूज करने से पहले हमें इसे थोड़ा ठंडा करना है। तब तक हम नूडल्स की तैयारी करते हैं। नूडल्स बनाने के लिए हमें चाहिए चॉप्ड ऑनियंस, कैबेज, बेल पेपर्स, कैप्सिकम, कैरेट, स्प्रिंग ऑनियंस, थोड़े रेड चिलीज, फाइनली चॉप्ड गार्लिक, ग्रेटेड जिंजर, टीस्पून ऑफ सोया सॉस, टोमेटो सॉस, रेड चिली सॉस एंड शेजवान सॉस। ये शेजवान सॉस भी मैंने घर पे ही बनाया है, आप चाहो तो मैं इसकी रेसिपी शेयर कर सकती हूँ, वरना आपको YouTube पे काफ़ी सारी रेसिपीज मिल जाएगी। सबसे पहले हम पैन में थोड़ा ऑयल लेंगे और रेड चिलीज डालेंगे, फिर थोड़ा गार्लिक और जिंजर। इसके बाद हम इसमें ऑनियंस डालेंगे, ऑनियंस को थोड़ा सौते करने के बाद बाकी सारे वेजीज। इन नूडल्स में वेजीज ज्यादा हो तो ये अच्छे लगते हैं, सो अपने चॉइस के अनुसार यू कैन ऐड वेजीज। हमें इन सबको ज्यादा कुक नहीं करना है, बस सौते करना है, उनका क्रंचीनेस वैसा ही रहना चाहिए। कैबेज जल्दी कुक हो जाता है तो उसे लास्ट में डालिए ताकि उसका क्रंचीनेस मेंटेन रहे, मैंने गलती से पहले ही डाल दिया था। इसके बाद हम इसमें सारे सॉसेस डालेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड 3 स्पूनफुल ऑफ शेजवान सॉस। शेजवान सॉस को बिल्कुल स्किप मत करना, दिस विल गिव वेरी नाइस टेस्ट टू द नूडल्स। और स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि सारे सॉसेस में नमक ऑलरेडी है, आप उसके हिसाब से नमक डालिए। हमारे नूडल्स भी ठंडे हो गए हैं, हम धीरे धीरे हाथ से इन्हें सेपरेट करेंगे और वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको एकदम हल्के हाथ से मिक्स करना है, वरना ये टूट जाते हैं। अब
अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे और एक और बार टॉस करेंगे। याद रखना, ज़्यादा मिक्स मत करना वरना ये टूटने लगेंगे। और बस ये बिल्कुल रेडी है। इन्हें गरम गरम ही सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। देखा कितने इजीली हमने इस अनहेल्दी नूडल्स को हेल्दी में कन्वर्ट किया। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इन दोनों को कंपेयर किया है। ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, यही सबसे अच्छा तरीका है जिससे नए लोग हमारे चैनल के बारे में जान पाएंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं मेरे यूट्यूब जर्नी के जिस फेज पे हूँ मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।